रच गई है हंसिका के हाथों में पिया के नाम की मेहंदी। शरारा सूट में क्या गजब दिखी होने वाली दुल्हनिया। शुरू हो गई है हंसिका सोहेल के बैंड बाजा बारात की रस्में। जरा देखिए तो सही किस तरह शर्म और हया से अपनी शादी की रस्मों में नजर आ रही है ऋतिक रोशन की फिल्म की चाइल्ड हीरोइन हंसिका मोटवानी। चेहरे पर ये प्यारी मुस्कान और हाथों पर लगी होने वाले पति सोहेल के नाम की मेहंदी लगाए कितनी खुश दिख रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका। शरारा ड्रेस और एंटीक ज्वेलरी तो उनके रूप को और ज्यादा निखार ही रही है, तो अब जरा डाल लीजिए आप भी एक नजर। आखिर सामने आ गई है एक्ट्रेस की मेहंदी की रस्म की कुछ खास झलक। अब हम आपको दिखा रहे हैं हंसिका की मेहंदी सेरेमनी की बेहद ही प्यारी तस्वीरें और वीडियोस। बीती रात होने वाली दुल्हनिया के हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रची, जिसमें होने वाली दुल्हनिया हंसिका ने इस मौके पर शरारा सूट पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने ऑक्सिडाइज झुमके और ज्वेलरी से अपना लुक पूरा किया। इस लुक में हंसिका काफी प्यारी लग रही थी। वहीं इस फंक्शन की डेकोरेशन भी खास थीम पर की गई थी। मेहंदी लगवाते हंसिका की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सामने आई फोटोज में देखा जा सकता है कि हंसिका ने नारंगी और पीले रंग का टाई डाई शरारा पहना है। शादी की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। बता दें कि इस मेहंदी सेरेमनी में उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शरीक हुए थे। हंसिका मोटवानी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हंसिका अपने बिजनेसमैन मंगेतर सोहेल कथूरिया के साथ 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। दोनों की शादी जयपुर में मुंडोता फोर्ट और पैलेस में शाही अंदाज में होगी। रिपोर्ट्स की माने तो हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया की शादी सिंधी रीति रिवाज से होगी। शादी की रस्मों के दौरान पोलो मैच और कैसीनो पार्टी की भी प्लानिंग की जा रही है। जहां 3 दिसंबर को संगीत सेरेमनी रखी गई है, जिसमें होने वाले दुल्हा दुल्हन भी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे और इसके बाद 4 दिसंबर को शादी होगी। हंसिका मोटवानी की शादी एक इंटीमेट वेडिंग है, इसमें घर वाले और खास दोस्त शामिल होंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि शादी से लौटने के बाद कपल अपने दोस्तों और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स के लिए मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी होस्ट करेंगे। खबर ये भी है कि कपल अपनी शादी को OTT पर स्ट्रीम करने की प्लानिंग कर रहा है। उनकी 2 OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है। अपनी शादी को लेकर हंसिका बेहद एक्साइटेड है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हंसिका पानी की तरह पैसा बहा रही है। कुछ ही दिन पहले हंसिका ने ग्रीस में अपनी बैचलरेट पार्टी होस्ट की थी, जहां हंसिका मोटवानी पहली बार दुल्हन बनने जा रही हैं। वहीं उनके पति सोहेल कथूरिया की ये दूसरी शादी है। सोहेल तलाकशुदा है। सोहेल की पहली शादी में हंसिका भी शामिल हुई थी। बहरहाल फैंस को तो इंतजार है हंसिका को सोहेल की दुल्हनिया बनते देखने और उनकी शादी की फर्स्ट पिक्चर्स का। ब्यूरो रिपोर्ट E24।